अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सब के नजर। T9 न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। रायबरेली के मेरे परिवार जनों, मुझे खुशी है कि आज काफी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तह पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़े और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। और इस सभा में आने के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।